आगामी चुनाव के साथ इन दिनों राम मंदिर को लेकर भी सियासत हो रही है। कई विपक्षी दल बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कोई कुछ कह रहा है। पर इस बीच कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों के नेताओं को सलाह दे डाली है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो विपक्षी नेताओं को सलाह देते दिखे। उन्होंने कहा, विपक्षी नेता पीएम मोदी का विरोध करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे नफरत ना करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएम से नफरत के चक्कर में अपना खुद का नाश कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं, और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया है, ये तो सत्यानाश ही है, ये निगेटिव एनर्जी है। लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि ऐसे लोग नास्तिक हैं जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को तो राजनीति में रहने का भी हक नहीं है। साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन को भारत का उत्साह बताया। लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक, राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। राम का विरोध करे और भारत में राजनीति करे तो भारत की जनता के जनमानस, भारत की जनता को बुरा लगता है। राम के मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये तो भारत का उत्सव है। इसमें निगेटिव बातें करना, नकारात्मक बातें करना, द्वेष ईर्ष्या लाना, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दुश्मन के घर में अगर खुशी होती है तो हम खुशी मनाते हैं, ये भारत है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर के निमंत्रण पर विपक्षी नेताओं से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। कहा, जिन्हें निमंत्रण मिला उनका पहुंचना सौभाग्य की बात है, और जो नहीं जाएंगे उनके लिए दुर्भाग्य की बात होगी। जिन्हें निमंत्रण मिला है उनका परम सौभाग्य है, और जो नहीं जाएंगे ये उनका दुर्भाग्य होगा। बता दी कि कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, और पिछले कुछ दिनों से गठबंधन में शामिल सपा पर भी हमलावर हैं, और इस बार अपने ही नेताओं को सलाह देते दिखे। शायद या तो वो कोई खेला करने वाले हैं, या फिर कांग्रेस की ओर से हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।